morning students, how are you? I hope you all are doing well and have done your homework. Good. चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना, अटेंडेंस बनाना है and you all know the process. कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे अपना नाम लिख देना है ना. अगर आपसे नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे. ठीक है, एक और बात, अटेंडेंस बनाने के साथ साथ आपको पूरा का पूरा क्लास भी अटेंड करना है. ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट. ऐसा नहीं है कि अटेंडेंस बना लिए और काम खत्म हो गया, क्लास भी अटेंड करना जरूरी है. मैं लास्ट में भी एक बार चेक करूंगी किन किन लोगों ने पूरा का पूरा क्लास देखा है. ठीक है, चलिए पहले अटेंडेंस बना लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं. चलिए तो बना लिया आप लोगों ने अटेंडेंस, दैट्स गुड. ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. पिछले क्लास में मैंने आपको नेमिंग वर्ड्स के साथ साथ आपको होमवर्क में दिया था नेमिंग वर्ड से रिलेटेड कुछ, है ना. मैंने सेंटेंस दिया था साथ और उसमें से आपको नेमिंग वर्ड्स को सर्किल करके लाना था, है ना. आई होप आपने उसे बनाया होगा. अभी जब मैं यहाँ पे आपको लिखूंगी उसका आंसर तो आप लोग उसको मैच करेंगे. ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो जब मैं लिखूंगी तो उसको देख के नोट करेंगे और उसे समझेंगे भी. ठीक है, चलिए तो मैं बना रही हूं, नोटबुक ओपन कीजिए. क्वेश्चन क्या था, सर्कल द नेमिंग वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस. अब देखिए पहला था चीकू हैड थ्री पपीज, है ना. चीकू के पास तीन कुत्ते के बच्चे थे. इसमें आपको नेमिंग वर्ड ढूंढना था, ऐसा नहीं था कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन चुनना था, सिर्फ नेमिंग वर्ड था. तो इसमें क्या क्या नेमिंग वर्ड है, एक तो चीकू नाम है, पॉपीज ये भी क्या है, एनिमल्स नेम है ना, कुत्ते के बच्चे हैं. चलिए सेकंड है, आई डिड नॉट गेट माई ब्लू पेंसिल, है ना. मुझे मेरी ब्लू पेंसिल नहीं मिली. इसमें पेंसिल जो है वो सर्किल होगा क्योंकि ये थिंग है. अब है द बस वेंट वेरी फास्ट, ना बस जो है वो काफी तेजी से गई. इसमें आपको ढूंढना है क्या होगा, बस जो है वो क्या है, थिंग है, वो सर्किल होगा. फोर्थ था रिनी हैज अ स्मॉल कैट. अब इसमें भी आपको दो हैं, दो नेमिंग वर्ड है, आप ढूंढिए. एक क्या हो जाएगा, रिनी नाम है और कैट भी क्या है, एनिमल्स नेम है, वो भी नाम होता है, पता है आपको. चलिए फाइव है, माय नेम इज मोहन, है ना, मतलब मेरा नाम मोहन है. इसमें नेमिंग वर्ड क्या होगा, मोहन इसी का नाम है. अब क्या है, दिस इज माय हाउस, यह मेरा घर है. तो यहाँ पे क्या नेमिंग वर्ड होगा, हाउस. ठीक है, चलिए जिस जिस चीज को मैंने सर्किल किया है आप लोग भी सर्किल कीजिए, उसके बाद मैं आगे आपको पढ़ाती हूँ. ओके चलिए जल्दी कीजिए.
चलिए लिख लिया आप लोगों ने, गुड। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। चलिए अब जो है मैं आपको एक नया चीज पढ़ाने वाली हूँ जो कि आपके बुक से रिलेटेड नहीं है। बुक में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन वो जो है ग्रामेटिकली आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड वर्ड के बारे में, है ना। कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं और ये कैसे बनता है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो नोटबुक ओपन ही रखिएगा, मैं लिख रही हूँ तो साथ में लिखेंगे और फिर मैं समझाऊंगी भी, ठीक है। व्हाट इज कंपाउंड वर्ड, गिव एग्जाम्पल, है ना। कंपाउंड वर्ड क्या है और इसके क्या क्या उदाहरण है, कुछ आपको लिखने हैं, ठीक है। चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन वी जॉइन टू वर्ड्स एंड मेक अ न्यू वर्ड, when we join two words or make a new word, such a word is called a compound word. कहने का मतलब कि जब हम दो वर्ड को एक साथ जोड़ते हैं और उसे एक नया शब्द बनाते हैं, है ना, दो शब्द को जोड़ते हैं और उसे एक नया शब्द बनता है, तो उसी शब्द को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड कहते हैं, ठीक है। उसी का ये इंग्लिश में डेफिनेशन है कि व्हेन वी जॉइन टू वर्ड्स और मेक अ न्यू वर्ड, सच अ वर्ड इज कॉल्ड अ कंपाउंड वर्ड। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आइस प्लस क्रीम क्या बनेगा, आइसक्रीम, है ना। मतलब आइस मीन्स बर्फ, क्रीम मीन्स क्रीम, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन रहा है, आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम या मलाई बर्फ जो बोलिए। तो कहने का मतलब जब दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं तब भी उनका कोई मीनिंग निकल रहा है ना, दो अलग अलग मीनिंग है, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो एक नया मीनिंग आ जाता है। जैसे फिर देखिए ये क्या है, क्लास प्लस रूम, है ना, क्लास मीन्स कक्षा, रूम मीन्स कमरा, इसको जोड़ते हैं देखिए क्या बनता है, क्लासरूम, है ना, मतलब वर्ग कक्ष।
फिर देखिए, रेन प्लस कोट, रेन मीन्स बारिश है ना, और वर्षा या और कोट मीन्स कोट जो पहनते हैं हम। अब इसको जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, रेन कोट मतलब बरसाती जो हम कपड़े के ऊपर से पहनते हैं ना बारिश में बचने के लिए, वही वाला रेन कोट। अब देखिए क्या है, डोर प्लस बेल, डोर मीन्स दरवाजा और बेल मीन्स घंटी। इसको देखिए, डोर बेल मतलब दरवाजे की घंटी जो गेट पे रहता है जिसको हम बजाते हैं ना, वो डोर बेल होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आई थिंक, एग्जांपल को देख के और अच्छे से आपको समझ में आया होगा है ना। आपने यूकेजी में भी इसे पढ़ा है, तो उस टाइम मैंने डिफिनेशन आपको नहीं बताया था, तो अब की बार मतलब हम लोग डिफिनेशन भी पढ़ेंगे और साथ में इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगी जो कि आपको बना के लाना है। ठीक है, चलिए जल्दी नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, गुड। अब मैं इसको वाइप कर रही हूँ, ठीक है, और आपको होमवर्क में कुछ दे रही हूँ, आप उसे बनाकर लाएंगे। चलिए तो नोटबुक ओपन ही रखेंगे और मैं जो लिख रही हूँ उसको आप लोग भी लिखेंगे और बनाकर लाना है उसको। ठीक है, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद आई एंड यू इन दिस सेंटेंसेस, मतलब जो भी सेंटेंस मैं लिखूंगी उसमें या तो आपको आई भरना है, नहीं तो फिर यू। ठीक है, और
और आपको तो पता ही है कि एम का यूज हमेशा किसके साथ होता है, तो बहुत इजी है बनाना, बाकी जो बचेगा उसमें क्या लगेगा, यू। ठीक है, चलिए यही है सेवन। आपको सेंटेंस है जो आपको बनाकर लाना है। ठीक है, जैसे डैश एम रीडिंग अ बुक, ठीक है, उसमें आई या यू में से जो लगाना लगाइएगा। डैश आर माय बेस्ट फ्रेंड, डैश आर प्लेइंग क्रिकेट, डैश आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, डैश आर नॉटी, डैश आई एम अ बॉय, डैश आर अ गर्ल। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको बनाकर रखिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी नोट कीजिए। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, गुड। ये जो है इसको आप बना कर रखेंगे और साथ में कंपाउंड वर्ड जो मैंने लिखाया है उसको याद करेंगे। ठीक है, लिखने के बाद उसको याद भी करना है और सुनाना भी है। अगले दिन मैं आपको कंपाउंड वर्ड का जो एग्जांपल मैंने लिखा है उसी तरह से मैं बाकी जो एग्जांपल्स हैं उसके वो आपको लिखवा दूंगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।